हेलो डियर स्टूडेंट्स, हियर अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 11 चैप्टर 1। और लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट क्लास में हमने जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर एंड फाइलम, क्लास, किंगडम के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हर्बेरियम। ठीक है, हमने कहा था कि हम अगले सेशन में हर्बेरियम की बात करेंगे, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ हर्बेरियम। हर्बेरियम, ओके। ऑर्गेनिज्म आर टू बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं टूल्स, अगर बायोडाइवर्सिटी के टूल्स की अगर हम बात करें हर्बेरियम के बेसिस पे, तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टूल्स की या कुछ फील्ड की, कुछ स्टडीज करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट स्पेसिमेंस आर डिफरेंट स्पीसीज आर कलेक्टेड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अलग अलग स्पीसीज के जितने भी प्लांट स्पेसिमेंस हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हम तो ये पढ़ के आ चुके हैं। तो उसके बाद उन्हीं को आइडेंटिफाई और क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, आपको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल गए, आपको अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिल गए, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप उसके बाद उनको पहचानेंगे ही तो ना। उनको आइडेंटिफाई करके पहले पहचानेंगे, उसके बाद क्लासीफाई कर देंगे, अच्छा ये अलग फैमिली का है, अलग ये स्पीसीज का है, अच्छा ये सेम फैमिली का है, तो उसे साथ में रख देंगे, है ना। तो ये अब इसी को अब बात, ये तो ठीक है एनिमल्स तक तो ठीक है, लेकिन प्लांट्स में एनिमल को प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती भी नहीं है जूलॉजी में, लेकिन बॉटनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और वहाँ पे आया कि अब कैसे हम स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करें। ठीक है, तो स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के कुछ तरीके इजाद किए गए, हर्बेरियम उनमें से एक है जो नॉर्मली प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हर्बेरियम जो है वो होता है कलेक्शन, अ हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ वेल ड्राइड एंड नाइसली प्रिजर्व प्लांट्स। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम कलेक्शन है अच्छे से ड्राई किए हुए और बहुत अच्छे से प्रिजर्व किए हुए जो प्लांट्स है, और जो इजीली, जो करेक्टली आइडेंटिफाई किए गए हैं, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्या किया गया है, अरेंज किया गया है और क्लासिफाई किया गया है, उसे हम क्या कह देते हैं, हर्बेरियम। यानी कि अगर हम हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ वेल ड्राइड, सुखाए हुए, एंड नाइसली प्रिजर्व। तो आपको ये बनाने के लिए आपकी हायर क्लासेस में हर्बेरियम बनाई जाती है, फाइल आप बनाते हैं हर्बेरियम की, नाइसली प्रिजर्व प्लांट्स विच आर करेक्टली विच आर करेक्टली आइडेंटिफाई या आइडेंटिफाइड, आप यहाँ पे वो लिखेंगे आइडेंटिफाइड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो हर्बेरियम क्या है, जैसे ना अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, जैसे आपसे कहा गया कि आप एक हर्बेरियम फाइल बनाइए, और हर्बेरियम फाइल में आप क्या करेंगे, फिर आपके आसपास जो प्लांट है, जैसे रोज प्लांट है, तो आप क्या करेंगे, रोज के प्लांट को एक छोटे से स्टेम सहित जो उसमें लीव्स वगैरह होंगे उसके साथ आपने तोड़ना है, उसे थोड़े दिन के लिए आपने सुखाना है और अच्छे से, मतलब अच्छे से सुखाना है, उसके बाद क्या करेंगे, आपको उसे अपनी फाइल में जो है उसे लगा देना है, और उसके बाद लेबल उसको करना है और साइड में उसका क्लासिफिकेशन आप देंगे। ठीक है, किंगडम, डिविजन, और फिर क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, उसका कौन सी स्पीसीज है वो आप देते हैं, मीन्स कि सुखा के आपने सबसे पहले प्लांट को कलेक्ट करना होता है, उसके बाद उसको प्रेसिंग एंड ड्राइंग उसकी करनी होती है, उसके बाद और देखिए जब बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में ये काम होता है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है ना, उसे पॉइजनिंग भी, मतलब कि जैसे इंसेक्ट वगैरह अटैक ना कर दें, उसके लिए परफेक्ट पॉइजनिंग भी, उसमें पॉइजन भी थोड़ा बहुत, इंसेक्ट पॉइजन हम कह सकते हैं,
इंसेक्टिसाइड्स उसमें डाले जाते हैं ताकि इंसेक्ट उस पर अटैक ना कर सके, ठीक है। तो जो हर्बेरियम है इसमें है कुछ नहीं, हर्बेरियम बस यही है कि सिंपल सा, हालांकि बहुत केयर की इसमें ज़रूरत है क्योंकि कोई प्लांट टूट ना जाए, प्लांट का कोई पार्ट टूट ना जाए, इसका ध्यान देना होता है। तो इसमें एक सीट पे सुखा दिया जाता है, एक प्लांट को सुखा के फिर उसे दबा प्रेस कर दिया जाता है और उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता है, सुखाया जाता है। और उसके बाद इसे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बोलें तो ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही केयरफुली ये काम किया जाता है। फिर उनको म्यूजियम्स वगैरह में रखा जाता है ताकि फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें देखने के लिए। और जब आप लोगों से ये बनाने को कहा जाता है तो आपको एक फाइल में ये बनानी होती है। जैसे आपने पी प्लांट ले लिया, पी प्लांट है तो आपने उसे तोड़ा, थोड़ा सा पार्ट, पूरा का पूरा पी प्लांट नहीं, थोड़ा सा पार्ट आपने तोड़ा उसका, उसको सुखाया आपने, उसको प्रेस किया और उसके बाद फाइल में आपने उसे पेस्ट कर दिया। फाइल में पेस्ट करने के बाद आप उसको लेबल करेंगे कौन सा पार्ट क्या है, और साइड में उसके क्लासिफिकेशन को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, फिर क्लासिफिकेशन में उसमें एक लेबल आप लगाएंगे, जैसे कि किस दिन आपने उसे कलेक्ट किया था, कहाँ कौन सी जगह से किया था, उस प्लांट का इंग्लिश नेम, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, आपने ये सारी चीज़ें, उसका उसकी स्पीसीज क्या है और किसने उसे कलेक्ट किया, ये आपको मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे ये आपको मिलेगा हर्बेरियम फाइल में। हर तो जब आप करते हैं तो उसमें तो आपको अपना नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे तो। नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे जब हम हर्बेरियम देखते हैं तो हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसको प्रिजर्व किया जाता है, माउंटेड सीट पेपर होती है, हर्बेरियम शीट उसे कहा जाता है, अलग से हर्बेरियम पेपर आता है, हर्बेरियम शीट उसे कहा जाता है। और ये द प्लांट विच आर नॉट सुटेबल फॉर प्रेसिंग एंड माउंटिंग, लाइक जैसे कि कुछ फ्रूट्स और सीड्स प्लांट होते हैं जो कि प्रेस नहीं कर सकते उनको हम, तो उनको और ना ही और प्रिजर्व करने में, फिर उसमें क्या किया जाता है, 2.5% फॉर्मेलिन वगैरह उसमें डाला जाता है ताकि वो ड्राई हो जाएं और इजीली हम उन्हें किसी बड़े कंटेनर में स्टोर करके रख सकें, ठीक है। तो हर्बेरियम का मेन पर्पस था ही यही कि हम क्या करें, मतलब मेन आता है इसमें पर्पस ऑफ हर्बेरियम, क्यों जरूरत पड़ी हर्बेरियम बनाने की। तो पर्पस ऑफ हर्बेरियम, तो हर्बेरियम का जो पर्पस था वो ये था कि टैक्सोनॉमिक फील्ड, अब देखिए लगातार प्लांट्स की स्पीसीज बढ़ रही है, बढ़ क्या रही है, हमें पता चल रही है कि हाँ ये भी स्पीसीज है, ये भी है, तो लगातार टैक्सोनॉमिक फील्ड क्या हो रहा है, मोर और मोर वाइड हो रहा है। तो सिंपल ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, जो रिटन डिस्क्रिप्शन है ना, ये इनसफिशियंट है, इनसे नहीं हम किसी को एक एग्जैक्ट आइडिया दे सकते हैं, या आने वाली जनरेशन उसके लिए एग्जैक्ट आइडिया उसे उससे नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जरूरी हो गया था टैक्सोनॉमिक्स के, जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनके लिए, कि कुछ नए जो कलेक्टेड प्लांट हैं, जो नए नए प्लांट, अब देखो हर्बेरियम में उनको रखा जाएगा जो नए नए प्लांट स्पीसीज मिलते जा रही हैं या जो पुरानी ख़त्म हो रही है, उनको एग्जेंट होने से बचाने के लिए उनका कुछ तो रहे हमारे पास, उस चीज़ के लिए क्या करना था, हमें उसे प्रिजर्व करना था। तो टैक्सोनॉमिक ने जो नए नए कलेक्टेड जो प्लांट थे, जो प्लांट स्पीसीज थी, उनको क्या करे, ऑलरेडी उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था हर्बेरियम में। और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डिस्क्रिप्शन दे दिए गए कि किस तरीके से आप उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से मतलब मेन टास्क ये लिया गया या मेन रीजन था हर्बेरियम का कि हमें प्रिजर्व करने हैं ताकि आगे जो लोग पढ़ें, आगे जो उसकी स्टडी करें, उनको एक क्लियर कट आइडिया तो मिले कि हाँ ये प्लांट ऐसा होता है, इस प्लांट को यहाँ से लिया गया है, ये प्लांट की वेराइटी हमें यहाँ मिलेगी। अगर कोई एक पर्टिकुलर जो चीज़ पे अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो हाँ हमें वहाँ पे पता चलेगा कि ये प्लांट अच्छा इस जगह से लिया है, तो शायद इस जगह पे इसकी स्पीसीज भी अलग अलग टाइप की मिले या शायद इस जगह पे इसकी वैरायटी हमें मिले, तो हम वहाँ पे जाके उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अदर जो पर्पस थे हर्बेरियम का वो था कि टू सर्व एज अ रेफरेंस मटीरियल फॉर मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल रिसर्च। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल रिसर्च जो होगी उसके लिए एक रेफरेंस मटीरियल सर्व करने के लिए फायदेमंद होगा हर्बेरियम का, ये के किया गया। और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, प्लांट की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाएगी, क्योंकि जब भी आप कोई हर्बेरियम फाइल खोलेंगे, जैसे आपको पी प्लांट के बारे में जानना है तो आप पी प्लांट वाले पेज को खोलेंगे, आपको वहां पे उसके बारे में बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन, सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ
हम लोगों को कैसे ट्रेन करवा सकते हैं, अगर हमारे पास हर्बेरियम फाइल है या हर्बेरियम है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास हर्बेरियम है जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्हें कलेक्ट करके रखा गया है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अगर हमें लोगों को बताना है, लोगों को या स्टूडेंट्स को कोर्स करवाना है, ट्रेनिंग देनी है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए हम इन्हीं हर्बेरियम का यूज़ कर सकते हैं। हम एक सैम्पल तो दिखा सकते हैं ना उनको कि देखिए ये ऐसा होता है, इसका साइंटिफिक नेम ये है, इसकी फैमिली ये है, इसकी क्लास ये है, तो आप जाइए और आइडेंटिफाई कीजिए आपको ऐसा प्लांट मिल रहा है या इसके अलावा आपको कुछ और कैटेगरीज कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मिल रहे हैं, तो एक ही तरीके के लिए यूज़ किया गया। और साथ ही साथ जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करवाने के लिए, बॉटनिकल स्टडीज़ में ट्रेन करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, इसलिए हर्बेरियम का मेन पर्पज़ था हर्बेरियम को बनाने का। ठीक है, तो अब हर्बेरियम बनाया कैसे जाता है हमने पढ़ लिया। सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट स्टेप होता है हर्बेरियम मेकिंग का कि आपने प्लांट्स का कलेक्शन करना है और बहुत केयरफुली ये करना है, एक बच्चों वाला माइंड यूज करके नहीं, एक साइंटिफिक माइंड यूज करके। आप आई थिंक आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप समझ सकते हैं कि साइंटिफिक माइंड कैसे काम करता है। बिल्कुल हर एक चीज़ को एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बेसिस पे, हर एक चीज़ को एक क्लियरली साफ बिल्कुल शांत माइंड से क्या करना होता है, इसे साइंटिफिक माइंड का यूज़ करके केयरफुली से हैंडल करना होता है। प्लांट मटेरियल को आपने जो कलेक्ट किया है वो बहुत अच्छी तरीके से, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उसका होना चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन उसकी आपको लेनी होगी और प्लांट के सारे पार्ट्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सारे पार्ट्स लिए ही नहीं, आप बहुत बड़ा पार्ट भले मत लीजिए लेकिन इतना प्लांट लीजिए कि उसमें क्या दिखे, उस प्लांट में अगर पॉसिबल है तो उस प्लांट में क्या क्या होना चाहिए, लीव्स भी दिखनी चाहिए, इन्फ्लोरोसेंस दिखना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए और रूट्स भी होने चाहिए। ठीक है, छोटे से साइज का प्लांट मटेरियल लीजिए, जरूरी नहीं कि आपने ऊपर से नीचे तक सब ले लिया, एक फ्लावर दिख रहा है, एक लीफ दिख रही है या दो लीव्स दिख रही हैं, रूट दिख रही है तो इनफ है। ठीक है, फ्रूट दिख रहा है आपको तो इनफ है, बहुत बड़ा प्लांट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़े में भी चल जाएगा वो। और दूसरा होता है हमारा प्रेसिंग एंड ड्राइंग। तो जब आपने कलेक्ट कर लिया है तो उसे प्रेस इमीडिएटली आफ्टर प्रेस कर, आप जैसे आफ्टर कलेक्शन, आप इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन आपने उसे क्या कर देना है, प्रेस कर देना है, दबा देना है, तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, वो विल्ट हो जाएंगे। और जो प्लांट जो प्रेस किया जाता है सीड्स के बीच में, ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर या फोल्ड, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, न्यूज़पेपर की शीट्स के बीच में आप कर दीजिए, किसी फोल्डिंग के बीच में कर दीजिए, अल्टरनेटिव शीट्स या ब्लॉटिंग पेपर जो होते हैं उनके बीच में आपने करना है। और केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में ना आपका कोई फ्रूट टूट गया, अगर छोटा सा फ्रूट है उसमें फ्लावर है वो टूट गया, तो फिर क्या फ़ायदा उस कलेक्शन का। इसीलिए आपसे पहले कहा जाता है कि जब भी आपने हर्बेरियम बनानी है तो एक साइंटिफिक माइंड आपने यूज़ करना है कि अच्छा मैं अगर ऐसे प्रेस करूँगा तो कहीं कोई पार्ट खराब तो नहीं हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मतलब कि ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि हमने कैसे चीज़ों को कलेक्ट करना है, कैसे क्या करना है, और उसके बाद उसको ड्राई कर देना है, सुखा देना है। ठीक है, थोड़े टाइम तक के लिए सुखा देना है, और सुखाने के बाद, सुखाने से क्या होगा कि जो वाटर वगैरह जो होगा ना वो निकल जाएगा, तो जब आप उसे किसी फाइल वगैरह में रखेंगे तो वो फाइल को ख़राब नहीं करेगा, फाइल को वैट नहीं करेगा। ठीक है, तो 3 से 4 दिन बाद जब आप ये कर देंगे, 3 से 4 दिन तक आपने इसे सुखाना है या जिस हिसाब से जितना टाइम आपको लगता है, उसके बाद उसको क्या कर देना है, आपने उसकी पॉइजनिंग करनी होती है। पॉइजनिंग करना मीन्स कि जो स्टोर्ड प्लांट मटेरियल होते हैं ना उसमें इंसेक्ट पेस्ट वगैरह अटैक कर ही देते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, कुछ स्पेसिफिक, जैसे बायो में तो मीन्स कि जूलॉजी में तो सही रहता है कि एक कंटेनर में हम ऑर्गेनिजम्स को रख देते हैं, उसमें फॉर्मिलिन वगैरह डाल देते हैं तो वो रहता है, लेकिन यहाँ पे हर्बेरियम में प्लांट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो प्लांट में क्या किया जाता है, पहले ड्राई कर दिया जाता है, इसमें क्लोराइड, कुछ मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन वगैरह हम इसमें डाल देते हैं, DDT कार्बन डाइसल्फाइड गैस और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन वगैरह हम इसमें डाल देते हैं, नेफ्थिलीन फ्लास्क का हम यूज़ करते हैं ताकि ये जो इंसेक्ट्स पेस्ट वगैरह हैं वो इस पर अटैक ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद इसकी मॉल्टिंग एंड लेबलिंग कर दी जाती है, ड्राई जब हो जाएगा प्लांट तो उसके बाद हर्बेरियम शीट को एक अप्रोप्रिएट साइज होता है इसका, 29x42 सेंटीमीटर के आसपास का ये होता है, और या तो आप इसे ग्लू से चिपका दीजिए या किसी हर्बेरियम शीट में एक स्पेसिमेंस को या कोई टेप वगैरह जो है उससे चिपका दीजिए, मर्जी आपकी है। आपको अगर ग्लू से चिपकाना पेस्ट करना सही लग रहा है तो आप वो खींचिए, अदरवाइज आप टेप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप उसको
लगा सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, पता है आपको, अलग अलग टाइप के प्लांट्स मटेरियल, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में आपको सीखने को मिलता है। आपके आसपास कितने प्लांट्स थे जिनको आपने आज तक बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, अब उनके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पी प्लांट, आपने ध्यान ही नहीं दिया आज तक पी प्लांट, ठीक है पी उसमें लगे, मटर लगे, आपने खाया, ठीक है प्लांट्स को फेंक दिया, लेकिन अब आप उसके बारे में ध्यान देंगे, अब कितना इंटरेस्टिंग है। आप उसके रूट को भी संभालना चाह रहे हैं, आप उसके फ्रूट को भी संभालना चाह रहे हैं, आप उसकी लीव्स को भी संभालना चाह रहे हैं और साथ ही साथ आप उसके बारे में जानेंगे। अच्छा इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है, अच्छा ये इस फैमिली से रिलेटेड है, अच्छा ये इस डिवीजन का है, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। जिस चीज़ को बचपन से आप नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं, सिर्फ अपना यूज़ के लिए देख रहे हैं, और आज उसके बारे में आप सारी चीज़ें जान रहे हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। और उसके बाद जब मॉल्टिंग एंड लेबलिंग इसकी हो जाती है तो फैमिली, डेट ऑफ कलेक्शन, हैबिटेट, लोकेलिटी, नेम ऑफ कलेक्टर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें, ज्योग्राफिकल और सॉइल के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अगर आप एडिशनल देना चाहते हैं तो कैसे सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी सॉइल में ये मिलता है, तो ये भी आप दे सकते हैं। उसके बाद इनको स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, स्टोरिंग ऑफ द हर्बेरियम शीट, इसको स्टोर कर दिया जाता है स्पेसिमेंस को। उसके बाद वुडन और स्टील अलमीरा होते हैं, उनमें इनको रख दिया जाता है अच्छे से कवर करके, ताकि फ्यूचर में इनका हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये तो था हमारा हर्बेरियम, आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा हो, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा रहता है। और आपने क्या करना है, आपने ना कुछ जैसे ह्यूमन बीइंग का आपने साइंटिफिक नेम, उसकी स्पीसीज और क्लास, फाइलम, किंगडम और ऑर्डर वगैरह सभी आपने याद करने हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स का और हाउस फ्लाई का, मैंगो का और वीट का, ठीक है, आपने पूरा टेबल उसको लर्न करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन के लिए होता है होमोसेफियंस और होमो उसका जो होमिनिडी, और साथ ही साथ जो क्लास होती है वो प्राइमेट हो गई, और सॉरी क्लास मैमेलिया होगा, ठीक है, क्लास मैमेलिया इसका होता है, और ऑर्डर होता है क्या, प्राइमेट। तो ऐसे आपने सारी चीज़ें याद करनी है, फाइलम कॉर्डेटा है, तो और ऐसे ही आपने फ्लाई का याद करना है, मैंगो का आपने याद करना है, वीट का आपने याद करना है। तो साइंटिफिक नेम तो आपको लर्न होने ही होने चाहिए, साथ ही साथ कुछ बहुत क्लासिफिकेशन भी आपको इनके लर्न करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो हर्बेरियम आपको समझ में आया। अब दूसरा जो आपका टॉपिक हमारा आता है वो आता है हमारे बॉटेनिकल गार्डन या बॉटनिक गार्डन, ठीक है। अब देखो जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लिविंग प्लांट को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। जो लिविंग हर्बेरियम में तो क्या था, आपने प्लांट को तोड़ा या प्लांट पार्ट को तोड़ा, उसे आपने पेस्ट कर दिया, प्रॉपर मॉल्टिंग लेबलिंग करी और उसको स्टोर कर दिया। लेकिन जो सारे प्लांट्स के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते ना, कुछ प्लांट स्पीसीज हमने बचा, कुछ क्या, हमने प्लांट स्पीसीज बचानी भी तो है, उसके लिए लिविंग रखना भी तो उनको ज़रूरी है, लाइव रखना भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है ना, इनको बॉटेनिकल गार्डन बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन या बोटैनिकल गार्डन जो थे वो एक ऐसा प्लेस है या होते हैं, एक ऐसा प्लेस है जहां पे लिविंग प्लांट्स को मेंटेन किया जाता है। किस चीज के लिए, बॉटनिकल टीचिंग के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। अब देखो सबसे पहले जब बॉटनिकल गार्डन बनाया गया था ना, मतलब बॉटनिकल गार्डन का जब आइडिया आया था, तो वो किस चीज, किसके लिए आया था ना, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, मेडिकल स्टूडेंट्स मीन्स की जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी स्टडी के लिए था, उनको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानने के लिए या बताने के लिए इन गार्डन्स को बनाया गया था। और फिर धीरे धीरे इससे एक आइडिया मिला कि क्यों ना हम बॉटेनिकल गार्डन बना दें, इसमें सारे टाइप के, सिर्फ मेडिसिनल प्लांट ही नहीं, हम अदर भी प्लांट्स इसमें लगाते हैं। तो ये आइडिया आया और धीरे धीरे ये बॉटनिकल गार्डन के फॉर्म में आगे बढ़े, ठीक है। तो उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो फर्स्ट गार्डन था वो बॉम्बे में 1830 में एग्रीकल्चरल सोसाइटी के थ्रू एक बनाया गया था। उसके बाद 1838 में दूसरा बॉटनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में, और ऐसे बहुत सारे, फिर यहीं से आइडिया लेके बहुत सारे गार्डन्स को बनाया गया था, जैसे कि नीलगिरी हिल्स में है, नैनीताल में है और दार्जिलिंग में है। तो बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन का आइडिया यहाँ पे आया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन अगर हम वर्ल्ड में और इंडिया में अगर हम बात करें तो नॉर्मली दो तीन की हम बात करते हैं। एक तो हमारा है इंग्लैंड में फेमस बॉटेनिकल गार्डन क्यू,
क्यों इंग्लैंड में है, दूसरा इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, और तीसरा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं। तो आपको पता चल गया ना, अ प्लेस वेयर देयर इज एन असेंबलीज ऑफ लिविंग प्लांट्स मेंटेन्ड फॉर बॉटेनिकल टीचिंग एंड रिसर्च पर्पस, ठीक है। अब मेन जो आता है, अब नेक्स्ट होगा हमारा इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड। देखिए ये जो गार्डन है ना, अभी ये 250 एकड़ में फैला हुआ है, 250 एकड़, कितना बड़ा एरिया इसका होता होगा आप आइडिया लगा सकते हैं। और नॉर्मली ओरिजिनली जब स्टार्ट किया गया था तो 16 एकड़ में 1759 में रॉयल जो बॉटनी गार्डन था क्यू इंग्लैंड में जो प्रेजेंट है, 1759 में इसको स्टार्ट किया गया था, और उस टाइम पे 16 एकड़ के आसपास ये था, ठीक है। और धीरे 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 इसका एरिया बढ़ता गया और अभी प्रेजेंट में ये 250 एकड़ के आसपास है। और ये अलग अलग इसमें सुपरिटेंडेंट बनाए गए थे, सबसे पहले विलियम एटन नाम के सुपरिटेंडेंट थे, इन्होंने इसे फ्लोरिस किया, और उसके बाद अलग अलग के एफर्ट इसमें आए। और ये जो इम्पोर्टेंट प्लांट गार्डन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट गार्डन है, जिसमें कि क्या क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि टुलिप है, विलोज है, जैपनीज केदार है, रेडवुड है, ओक है, स्वीट गम है, जैपनीज चेरीज इसमें मिल देंगी आपको, और डॉन रेडवुड आपको मिलेगा, क्रैप, एप्पल, मैंगोलाइजेस, मंगोलाइजेस, मैपल, वॉलनट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और वेरियस ग्रीन हाउस लाइक पाम हाउस है इसमें, एल्पाइन हाउस है, वाटर लिली हाउस आपके हैं इसमें, टेम्परेचर हाउस है, तो बहुत सारे स्पेशल चीज़ें आपको इस गार्डन में दिखने को मिलेंगी। इसीलिए तो ये फेमस है, इसीलिए इंग्लैंड में, पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड का क्यू गार्डन बहुत ज़्यादा बॉटेनिक गार्डन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बहुत बायोडाइवर्सिटी का, हम कह सकते हैं प्लांट डाइवर्सिटी का सोर्स एक हम कह सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे को देखने को मिलती हैं। और दूसरा जो बॉटेनिकल गार्डन है वो है हमारा इंडिया में सेकेंड, उसका नेम है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा, हावड़ा में ये प्रेजेंट है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट बॉटेनिकल, अगर हम कहें तो इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट बॉटेनिकल गार्डन टू बी एस्टेब्लिश इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में एस्टेब्लिश किया गया फर्स्ट बॉटेनिकल गार्डन है। और इसको फाउंड किया था, या इसके फाउंडर जो हैं, 1787 में रॉबर्ट केड नाम के एक साइंटिस्ट थे, या रॉबर्ट केड नाम के कोई थे, उन्होंने इकोनॉमिक रीजन के लिए बॉटनिकल गार्डन के लिए, अच्छा जितने भी बॉटनिकल गार्डन है ना, बॉटनिकल गार्डन के रीजन से उनको बनाया ही नहीं गया था, कुछ ना कुछ अलग, जैसे कि नॉर्मली मेडिसिनल प्लांट के लिए बनाया गया था, उसके बाद जो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, इसको नॉर्मली बनाया गया था इकोनॉमिक रीजन के लिए, कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे उसके लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बना दिया, चलिए कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इसको हम बना देते हैं कहा गया। और उसके बाद ये कवर करता है 273 एकड़ को, इससे भी ज़्यादा इसका है, 273 एकड़ एरिया को ये क्या करता है, कवर करता है पूरा। और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे को इस एरिया में, मतलब इट कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 273 एकड़ हैविंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल प्लांट, जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट है वर्ल्ड के, जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट है ना, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे को देखने को मिलेंगे,
ठीक है। और ये जो गार्डन था उसके हेड विलियम रोजबर्ग थे, जो कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी उन्हें कहा जाता है। फ्रॉम 1793 से 1813 तक इसके हेड वो रहे हैं, और उन्होंने फॉलो किए वेल नोन बॉटनिस्ट इंक्लूडिंग विलिस ग्रिफिथ थे, जॉर्ज किंग थे, डेविड पेन थे, तो डॉक्टर चैटर्जी एक थे, तो बहुत सारे अदर इनको फॉलो करते थे। और यहाँ पे क्या हुआ, जो गार्डन यहाँ पे को है इसके पास बहुत सारे जैसे अदर फीचर्स क्या क्या है, गार्डन तो है, ट्रॉपिकल प्लांट्स तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे कोई हर्बेरियम है जिसे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी कहा जाता है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, और जो गार्डन और हर्बेरियम है इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ये दे दिया गया, और उसके बाद अभी इसमें उससे पहले बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे देखता था, ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, और उसके बाद फिर से बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ये आ गया, ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे रख लिया। अभी जितनी भी इसमें चीज़ें होती हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही थ्रू होते हैं, उन्हीं के अंडर कंट्रोल में ये काम करता है। अब इसके अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ पे ग्रेट बेनियन ट्री आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको पाम हाउसेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको नर्सरी, और ये यहाँ पे जो नर्सरी प्रेजेंट है ना हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन में, जो नर्सरी प्रेजेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट नर्सरी ऑफ एशिया है, एशिया की बेस्ट, मतलब कि एक बेस्ट, जितनी भी बेस्ट नर्सरी है उनमें से इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा की नर्सरी भी जानी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग श्रब्स हैं, इंटरेस्टिंग ट्रीज हैं, छोटे छोटे प्लांट, नर्सरी में क्या होता है छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है गार्डन में, और अलग अलग पर्पस के लिए यंग प्लांट आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल टू जनरल पब्लिक, जनरल लोगों के लिए सेल के लिए भी यहाँ पे दिया जाता है, उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये तो हमने दो गार्डन पढ़ लिए, कौन से, एक तो इंग्लैंड का रॉयल बॉटनिक गार्डन पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ा इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड जो हमारा आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ है, या नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो कहाँ है, हमारे लखनऊ में, ठीक है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। तो जो फाउंडेशन है इस गार्डन का, जो फाउंडेशन था या जो फाउंडेशन रखा गया था, नवाब सादत अली खान थे, 1789 से 1814 तक एक रॉयल गार्डन के फॉर्म में इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, वही मतलब चला आ रहा है ना कि इंडियन बॉटनिकल रिसर्च के, बॉटनिकल नाम से तो बने ही नहीं थे, तो ये इन्होंने एक रॉयल गार्डन बनाया था, साउथर्न बैंक ऑफ रिवर गोमती के किनारे इन्होंने बनाया था, और उसके बाद इसे इम्प्रूव किया गया, जो सिकंदरा बाग या सिकंदर बाग कहा गया, नवाब वाजिद अली शाह ने इसको नाम दिया कि क्यों ना हम इसका नाम दे दें, और नाम उन्होंने क्या रख दिया, सिकंदर बाग, ठीक है, सिकंदर बाग इसके कह दिया। उसके बाद ये आया आगे, फिर से इसमें इम्प्रूवाइजेशन हुआ, फिर इम्प्रूव इसे किया गया, और ये आ गया गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर गार्डन के अंदर, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ने इसे ले लिया और गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसे हॉर्टिकल्चर गार्डन बनाएंगे, कब, 1948 में। फिर इसको फिर से इम्प्रूव किया गया, फिर अप्रूव किया गया, बाद में जब देखा कि इस गार्डन के पास इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हमें मिल सकती है, बहुत अच्छी जगह ये है, तो उसके बाद अप्रूव किया गया, नेशनल बॉटेनिक गार्डन ने इसे अप्रूव किया, और उसके बाद CSIR ने 1953 में इसे अपने अंडर ले लिया, ठीक है। CSIR बहुत बड़ा नेम है जिसके अंडर नेट का एग्जाम भी करवाया जाता है। तो इस CSIR ने क्या किया, इसे अपने अंडर ले लिया, और जो मेन गार्डन है नेशनल बॉटेनिक गार्डन का जो एरिया है 27 हेक्टर को इन्वेस्ट करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन है डाइवर्स प्लांट का, जैसे कि पाम है, फर्न है, मेडिसिनल प्लांट है, ऑर्चिड्स है, ऑर्नामेंटल्स हैं, कैक्टी है, ह्यूज हर्बेरियम है, लाइब्रेरी है, ग्रीन हाउस है, तो ये सारी चीज़ें ये क्या करता है, इंक्लूड करता है, ठीक है। फिर बात आती है कि बॉटनिकल का तो हमने पढ़ दिया, क्या जूलॉजिकल, अच्छा बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में ही तो पढ़ते हैं ना, ये तो पता है ना आप लोगों को, बॉटनी जो होती है ये हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारा नॉर्मली बॉटनी वाला हम पढ़ रहे हैं, या वैसे तो इसमें सभी इंक्लूड होता है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा ये बॉटनिकल गार्डन, ये हमारी बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जो जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में आप एनिमल का स्टडी करते हैं, और
बॉटनी में आप प्लांट्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम ये प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो अब हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की। जूलॉजिकल पार्क क्या होगा फिर? जूलॉजी यानी कि हमने बोला कि हम उसमें एनिमल्स की बात करते हैं, तो जूलॉजिकल पार्क्स आर दोज मैन मेड प्लेसेस वेयर एनिमल आर प्रोवाइडेड विद कंडीशन एज सिमिलर एज पॉसिबल टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो अब हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क के बारे में, जहाँ पे अब हम थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें हम एनिमल्स के बारे में एनिमल्स को कैसे रखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं, या प्लांट को तो हमने प्रिजर्व करके रख लिया, प्लांट्स के लिए तो बॉटेनिकल गार्डन बना दिए, तो अब एनिमल्स के लिए क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए बनाए जाते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जो एक मैन मेड जगह होती है, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? मैन मेड प्लेसेस जहां पे एनिमल को उनकी जैसी नेचुरल हैबिटेट होती है ना, जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रहते हैं उनको वैसा ही हैबिटेट देने की कोशिश की जाती है, और जितना पॉसिबल हो सके उनके सिमिलर कंडीशन जैसे जिस कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं, और उनको एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। अब ठीक है, हमने बात तो कर दी, तो क्या ज़रूरत है एनिमल्स को ऐसे कैप्ट करने की, क्या उसका फ़ायदा क्या होगा, ये हमने जानना है। तो सिग्निफिकेंस मेनली हमने जूलॉजिकल पार्क्स के सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं, इनका फ़ायदा हमने पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है ना, और नॉर्मली इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, लिविंग एनिमल्स को इसमें रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इनके बारे में, तो आप इजीली आप इनके नेचर को समझ सकते हैं, आप ये क्या खाते हैं, किस हैबिटेट में ये रहते हैं, आप अगर कोई रिसर्चर है तो वो इजीली इसके बारे में जान सकता है। साथ ही साथ इसका जो फ़ायदा है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें किसके बारे में देगा? सबसे फर्स्ट तो हमने पढ़ा कि लिविंग फीडिंग हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हम जान सकते हैं। दूसरा, अगर हम नॉर्मल सा एक रीज़न बोलें, या स्पेशली जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं ना एनिमल्स को देख के, तो एक जॉय एक्साइटमेंट का, या एक एक सोर्स है ये एक्साइटमेंट का, एंजॉयमेंट का पीपल के लिए। तीसरा जो साइंटिफिक पर्पोज है, ब्रीड द थ्रेटेंड एनिमल्स, यहाँ पे को जो ख़त्म हो रही है ना स्पीसीज, कुछ एनिमल स्पीसीज, कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, जो एग्जिट होने ही वाली हैं, जो खतरे में हैं अभी, तो उनको पकड़ के इनको जूलॉजिकल पार्क में मोस्ट मतलब उनके लिए नॉर्मली बनाया गया या उनके लिए रखा जाता है, ताकि उनकी ब्रीडिंग करवा सकें। उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे तो उनके ऑफस्प्रिंग बने, ऑफस्प्रिंग होंगे, और वो ऑफस्प्रिंग उनकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे, स्पीसीज को ख़त्म नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसलिए भी इनको बनाया गया। और उसके बाद डिक्रीज नंबर, जिस हिसाब से नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, और उनकी हैबिटेट को हम खत्म कर रहे हैं, जंगलों को काट के जिस हिसाब से हम हैबिटेट खत्म कर रहे हैं, हम ही तो खत्म कर रहे हैं ना, ह्यूमन बीइंग ही तो जंगल को खत्म कर रहा है। जैसे आए दिन हम सुनते हैं कि सिटी में या बहुत क्राउड वाली जगह पे शेर घुसाया, या कभी बेयर घुसाया, तो वो क्यों घुस रहे हैं? वो इसीलिए तो आबादी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए तो हमारी तरफ वो इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि उनका घर जो है, उनका जो जंगल है, वो हमने क्या कर दिया है, वो तो हमने ख़त्म कर दिया, हम धीरे धीरे काट रहे हैं, वहाँ पे अपने घर बना रहे हैं। तो जब हम उनकी जगह में अपने घर जाके बनाएंगे, और तो क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, उनका तो खाने का सब खत्म हो रहा है ना, जंगल है। जैसे अगर लायन की बात करें, तो जंगल है तभी तो उसको खाना मिलेगा, तभी तो जो वो खाता है वो उसे मिलेगा। मीन्स कि अगर हम माने कि वो डेयर को खा रहा है, वो हिरन को खा रहा है, तो हिरन तभी तो जिंदा रहेगा बेटा जंगल में, जब घास होगी उसके लिए, जब पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे तो हम काट दे रहे, तो डेयर खत्म, डेयर खत्म तो उसके लिए खाना नहीं मिला, तो वो कहाँ आएगा, वो आबादी की तरफ ही तो आएगा ना। तो धीरे धीरे ऐसे ही प्लांट स्पीसीज भी खत्म हो रही है, और ऐसे एनिमल स्पीसीज भी खत्म हो रही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नेचर पे इंटरफेयर कर रहा है। और आए दिन जो बाढ़ वगैरह आती है, वो भी तो यही रीजन है ना। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये नदी है, ये नदी है, नदी के किनारे में जाके हम क्या कर रहे हैं, घर बना दे रहे हैं। वो एरिया तो नेचर का है ना, यहाँ पे नदी और यहाँ पे आप घर बना रहे हैं, उसके बाद आप शिकायत करते हैं कि बाढ़ आ रही है, नदी का लेवल ऊपर हो गया, रिवर का लेवल ऊपर उठ रहा है। तो रिवर का लेवल ऊपर नहीं उठ रहा है, उसका लेवल तो है ही वहीं तक, आपने अपना लेवल वहाँ तक किसका दिया, आप अपने आप उसकी जगह में, उसके घर में आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो वो तो नेचर है, नेचर तो आपको निकालेगा ही निकालेगा। नेचर की जगह पे इंटरफेयर करेंगे तो हमें तो प्रॉब्लम होगी होगी ना। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है वो हम लोग हैं, जो एनिमल एग्जेंट हो रही हैं, जो प्लांट एग्जेंट हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रीज़न हम लोग हैं, एक्सेसिव हम लोग। जैसे अभी अगर मैं आपको नॉर्मल सा एक लोकल एग्जाम्पल दूँ, काफल, काफल का सीजन चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, काफल तोड़ने जाते हैं, ठीक है आप खाइए, हमारा नेचुरल, हमें नेचर हमें फ्रूट्स दे रहा है, उसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेज में भी माना जाता है काफल को, तो और
यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट का फ्रूट भी उसको माना जाता है। तो देखिए अब है क्या ना, हम जंगलों में तो जा रहे हैं, काफल तोड़ रहे हैं, बट उसकी ब्रांचेस तोड़ के फेंक रहे हैं। जब हम तोड़ रहे हैं तो ब्रांच पूरी तोड़ रहे हैं, उसके बाद हम काफल तोड़ रहे हैं। तो ये हम अपने नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही नेचर को हम हार्म पहुंचा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं करना है। नेचर अगर आपको दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे सारा कुछ छीन लो, उसकी टहनियाँ, उसके सारे पार्ट्स को आप तोड़ के फेंक रहे हैं। तो ये हम लोग हैं इसके रीज़न। धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये स्पीसीज भी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर कहीं हम हर्बेरियम में इनको देख रहे होंगे कि अच्छा ये भी एक प्लांट था, ये भी एक एनिमल था, तो म्यूजियम्स में हम उन्हें देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। तो एजुकेटेड हैं तो उसका हमने उस एजुकेशन का यूज़ करना है अच्छे पर्पज में, ना कि अपने नेचर को ख़त्म करके। ठीक है, तो इसीलिए हमें आज जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क बनाने की ज़रूरत पड़ी, ताकि अच्छा फ्यूचर में कभी ख़त्म हो रहा है तो हम यहाँ तो एटलीस्ट उन्हें देख सकें। तो जूलॉजिकल पार्क है नॉर्मली, अब इनमें क्या होता है, इनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम इसमें यूज़ किए जाते हैं या उनमें लगाया हुआ रहता है। तो चलिए, ये तो फ़ायदे थे हमारे जूलॉजिकल पार्क के। दूसरा, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं म्यूज़ियम। थोड़ा सा हमने पढ़ना है म्यूज़ियम के बारे में। म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय जिसे कहा जाता है, म्यूज़ियम और इनके सिग्निफिकेंस, इट्स सिग्निफिकेंस, इसका फ़ायदा। देखो म्यूज़ियम क्या होता है, म्यूज़ियम वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे, अभी हम बायो की बात कर रहे थे, हम सिर्फ बायो की ही बात करते हैं, तो म्यूज़ियम वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कलेक्शन किया जाता है प्रिजर्व प्लांट और एनिमल का। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल, अभी तक तो हमने बॉटेनिकल गार्डन में प्लांट्स पढ़े, जूलॉजिकल पार्क्स में हमने एनिमल पढ़े, लेकिन म्यूज़ियम में क्या आएगा, म्यूज़ियम में प्लांट्स भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे, लेकिन कौन से, प्रिजर्व फॉर्म में जो है। यहाँ पे लिविंग नहीं रखा जाएगा बेटा, यहाँ पे जो हमने हर्बेरियम बनाई थी और यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम क्या करते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं, कुछ को जैसे फिश है, अलग अलग टाइप के स्नेक्स हैं वगैरह, इंसेक्ट्स है, उनको क्या करते हैं केमिकल में डाल के उनकी बॉडी को हम प्रिजर्व करके रखते हैं और म्यूजियम में उन्हें रख देते हैं। ठीक है, तो वो उस हिसाब से उनको रखा जाता है ताकि स्टडी, एक रेफरेंस के फॉर्म में उनकी स्टडी हम कर सकें, तो उन्हें म्यूजियम कहा जाता है। तो म्यूजियम को मेंटेन बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब कि म्यूजियम में बॉटनिकल डिपार्टमेंट के सारी चीज़ें और जूलॉजी का भी सब कुछ आएगा, एनिमल्स भी आएंगे और प्लांट्स भी आएंगे। तो एनिमल स्पेसिमेंस जैसे वॉर्म, इंसेक्ट, फिशेज, रेप्टाइल्स हैं, इनको क्या किया जाता है, एक जार में, सूटेबल जार में प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले जाते हैं और उसको स्टोर कर दिया जाता है, और इंसेक्ट्स सुखाने के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है, इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है और माउंटेड बॉक्सेस होते हैं उनमें उनको डाल दिया जाता है, और ऐसे जो बड़े एनिमल होंगे उनको भी स्टॉप किया जाता है और स्केलेटल फॉर्म में उनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये म्यूजियम का हो गया। और फायदे क्या है फिर इसमें, क्या होता है, ये बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है। म्यूजियम का फायदा ये है कि जब आप प्रिजर्वेटिव डाल के उसमें जैसे केमिकल्स, फॉर्मेलिन वगैरह को डाल के अगर आप उनको प्रिजर्व करते हैं तो वो लंबे टाइम तक रहेंगे, इन कंपेयर टू अगर आप ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, तो वो तो जल्दी ख़राब हो जाता है। और दूसरा, जैसे प्लांट्स है, एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फॉर्न और जिम्नोस्पर्म्स के पार्ट्स हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म प्लांट तो उठा नहीं सकते, तो कुछ पार्ट्स होते हैं इनके, इनको प्रिजर्व किया जाता है, किसी के भी एल्गी, फंजाई, फॉर्न, मॉसेस, इनके इनके सबके जो जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिंग जो है, इनको क्या किया जाता है, इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है, एज दिस कैन नॉट बी मेंटेन द बॉटेनिकल गार्डन, क्योंकि बॉटेनिकल गार्डन में प्रिजर्व करने का कोई तरीका नहीं है ना हर्बेरियम के अलावा, तो यहाँ पे इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। दूसरा, प्रिजर्व प्लांट जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, या उनमें इन्फॉर्मेशन का लेबल हम लगा के रखते हैं कि इसकी हैबिटेट क्या है, नेचर ऑफ सॉइल क्या था, फ्लोरा ऑफ द एरिया क्या था। ठीक है, और म्यूजियम में जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई, स्पेसिमेंस मीन्स कि जो एनिमल का स्पेसिमेन जो भी है उसको करेक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है, लेबल किया जाता है और क्लासीफाइड एंड स्टोर उसे कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक टैक्सोनॉमिकल स्टडी, जो रेफरेंसेज है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में, उनको एक रेफरेंस के फॉर्म में इनको जाना जाता है। तो हमने ये जाना, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने हर्बेरियम की बात करी, फिर हमने बॉटेनिकल गार्डन्स की हमने बात करी, हमने पढ़ा कि तीन मेन बॉटेनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिक गार्डन जो कि इंग्लैंड में है और 1759 में ये बना था, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे लखनऊ में है। उसके बाद हमने जूलॉजिकल पार्क के बारे में जाना, म्यूजियम और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जाना, लेकिन हमने एक चीज़ तो मिस कर दी, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटेनिकल गार्डन। तो इंपॉर्टेंट ऑफ बॉटेनिकल गार्डन,
इसके फायदे क्या है ना, अगर आप बॉटेनिकल गार्डन में आप जा रहे हैं या जो बॉटेनिकल गार्डन है उनका बहुत अच्छा रोल है किसमें, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल इनका है। फार्मास्यूटिकल कंट्री में हॉर्टी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए और पब्लिक रिसोर्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड को कीप रिकॉर्ड रखता है, अगर कोई रिसर्चर है, कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, मेडिसिन्स बनानी है तो उसके लिए फायदेमंद है, तो बहुत सारी हॉर्टिकल्चर की फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आता है, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, हमारा लास्ट टॉपिक आता है कीज, इन्हें कहा जाता है कीज। अब कीज, कीज मीन्स चाबी है ना, तो कीज रिप्रेजेंट द स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कीज कुछ नहीं है, जैसे चाबी से ताला खुलता है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वैसे की है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में तो कीज का यूज किया जाता है। अलग अलग टाइप की, नॉर्मली दो टाइप की कीज पढ़ते हैं, यॉग और यॉग की और ब्रैकेट की। तो इनमें क्या होता है ना, इसको जैसे हम क्या करते हैं ना, हर एक टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी होती है, जैसे उसमें क्या होती है फैमिली, जीनस, स्पीसीज होता है, सबके अपने टैक्सोनॉमिक की है। फैमिली का अलग होगा, हमने किस बेसिस पे उसको इस फैमिली में रखा है, किस बेसिस पे हमने इस जीनस में रखा है, किस बेसिस पे हम इस स्पीसीज पे रख रहे हैं, तो सबके अपने अपने कीज है ना। तो बस यही कीज का यूज किया जाता है। और अगर दो मीन्स कि अगर दो चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मीन्स कि आप कंफ्यूज हो कि किस में इसको रखा जाए, एनालिटिकल होते हैं नॉर्मली कीज नेचर में, तो ये क्या करता है, क्लियर कट डिफरेंशिएशन आपको देगा। दो कैरेक्टर में आप कंफ्यूज में हो कि अच्छा ये कैरेक्टर तो इस फैमिली का है लेकिन दूसरा कैरेक्टर इसका है, तो वहाँ पे उसकी की यूज़ करो, उस फैमिली के लिए क्लियर कट क्या है, उस फैमिली के लिए क्या दिया गया है, आप एक का यूज़ करोगे तो सीधे सीधे आपको उस फैमिली के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो यॉग की होती है, ये क्या करती है, सीक्वेंस होती है, अलग अलग चॉइस, दो और दो से ज़्यादा स्टेटमेंट के बीच में चॉइस अगर करनी हो तो उसमें जो यॉग की है वो हेल्प करती है। और ऐसे ब्रैकेट की होती है, ब्रैकेट की भी आइडेंटिफिकेशन, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट अगर हैं वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो जो जो की है वो यूज़ करती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, जैसे आइडेंटेट लेकिन सेपरेट नहीं है, इस तरीके से। मतलब की का मेन रोल यही है कि वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में से आपको एक कैरेक्टर चूज करने में हेल्प करेगी, कैसे, क्योंकि एक स्पीसीज की अलग से की है, जैसे होमो सैपियंस है, सैपियंस है तो सैपियंस के लिए कीज पहले से तैयार है ना, कि क्या क्या है उसमें, किस बेसिस पे आप उसे सैपियंस में रख रहे हैं। होमो है जीनस, तो किस बेसिस पे आपने उसे होमो में रखा है, क्या है उसके की, तो आप उसकी को लीजिए और उसमें उस कैरेक्टर को रखिए और उस ऑर्गेनिज्म को उसमें रख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कीज था और हमारे यहीं से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने जो जूलॉजिकल पार्क और जूलॉजिकल सॉरी बॉटेनिकल गार्डन पढ़े, सिर्फ इतने ही नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हमने मेन पढ़े, इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे वो पढ़े। और यहाँ पे हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया और आप नोट्स भी बना रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिए और उसके बारे में ये सारी चीज़ें पढ़िए। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराया जा होता है, कैसे हम कैसे अलग अलग ग्रुप को, कैसे अलग अलग किंगडम के हम बारे में बात करेंगे, जैसे आपने 9th में शायद पढ़ा होगा ना किंगडम, प्रोटिस्टा वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनके जनरल कैरेक्टर, जनरल फीचर्स उनके क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो तब तक लिए हैव अ नाइस डे।